वेलकम टू कावराष्ट्र। आज से हम एक दूसरे को नमस्ते नहीं मुंह कहां करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आज हम आपके सामने दो अहम मुद्दों की पड़ताल लेकर आए हैं। पहला मुद्दा, गाय और राम के नाम पर आपको कौन मूर्ख बना रहा है? आखिर कौन है गाय और राम के असली दुश्मन? और दूसरा मुद्दा जिसकी हम पड़ताल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मोदी सरकार चाहे तो कल राम मंदिर बन सकता है, कैसे? उसके लिए आपको करना होगा इंतजार। मगर आइए सबसे पहले रुक करते हैं हमारे आज की बड़ी पड़ताल का। हम उस देश के वासी हैं जहां एक बहादुर पुलिस ऑफिसर सुबोध कुमार सिंह बुलंदशहर में अपनी जान दे दे, वो सरकार के लिए मायने नहीं रखता। सरकार से जब पूछा जाता है तो वो ये कहती है कि नहीं, पहले हम इस बात की जांच करेंगे कि गाय किसने काटी, उसके बाद हम सुबोध कुमार सिंह की जांच करेंगे। ये कल्पना से भी विचित्र है। इसके आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इस पर हम हंस भी नहीं सकते, क्योंकि जान एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की गई है। मगर सवाल ये कि जो लोग कहते हैं कि वो गाय को इंसान से ऊपर रखते हैं, क्या वो वाकई गाय के हितैषी हैं? क्या जहन में गाय के लिए वाकई उनकी कुछ परवाह है? आज जो हम आपके सामने पड़ताल पेश करने वाले हैं ना, उससे ये धारणा पूरी तरह से बिखर जाएगी। सबसे पहले आप गौर कीजिए इस वीडियो पर। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से कुछ सांड और कुछ गाय एक किसान के खेत में घुस आई है। दोस्तों नमस्कार, ये योगी सरकार द्वारा नई योजना लाई गई है, सांड योजना। सांड योजना से किसान इतने खुश हैं कि इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे योगी सरकार की ये योजना किसानों के लिए कितनी लाभदायक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी लाभदायक है ये योजना, सांड योजना। ये जो नजारा भी आपने देखा ना, ये नजारा देश के कई राज्यों के कई खेतों का ही नजारा है। आप में से कई लोग जो ग्रामीण भारत के रहने वाले हैं, जो हमें प्रतिक्रिया अपनी भेजते हैं न्यूज चक्र के बारे में, आप जानते हैं कि आपके खेतों में इसी तरह से सांड और गाय जो हैं प्रवेश कर रही है। और जाहिर सी बात है, उसके बाद गाय और किसान के बीच तनाव पैदा होता है। मगर मेरा सीधा सवाल आज, ये जो आवारा गाय आवारा पशु हैं, इनके लिए गौशाला का निर्माण क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, केंद्र में मोदी सरकार है, तमाम राज्यों में, खासकर जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं मोदी सरकार एक राष्ट्रीय गौशाला योजना लेकर आए, ताकि ऐसी तमाम जो गायें हैं उन्हें इस तरह की गौशाला में रखा जाएगा। आखिर कौन है जो इस तरह की गौशाला का विरोध कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर इस तरह की गौशाला आ जाती है जिसके चलते ये आवारा पशु बाहर नहीं घूमेंगे, इससे नुकसान किसका होगा? मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि इससे नुकसान गौ तस्करों का होगा। गलत जवाब। इससे नुकसान उन लोगों का होगा दोस्तों, जो कि इस मुद्दे पर सियासत करते हैं। और कैसे, ध्यान से सुनेगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। देखिए, होगा क्या कि अगर गाय इन गौशालाओं में सुरक्षित हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है गाय चोरी नहीं होगी। गाय चोरी नहीं होगी तो गाय काटी नहीं जाएगी। गाय जब काटी नहीं जाएगी तो समाज में तनाव पैदा नहीं होगा। समाज में जब तनाव पैदा नहीं होगा तो दंगे नहीं होंगे। दंगे नहीं होंगे तो वोटों का बंटवारा कैसे होगा, हिंदू मुसलमान कैसे होगा? तो ऐसे में बताइए मित्रों, गौशाला न लाना किसके हक में है? मगर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह खबर आप तक पहुंची ही नहीं है। दोस्तों गौर कीजिए इस तारीख पर, 15 सितंबर 2018, यह जगह है पिपलिया कुलमी गांव और मध्य प्रदेश का रायगढ़ जिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक राजनीतिक आयोजन के चलते नवीन गायत्री गौशाला की 450 गायों को स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया। और क्या आप जानते हैं, उस पद इंतजामी के चलते 8 गाय मर गई। सही सुना आपने, 8 गाय। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, या ये कहा जाए मैं आपसे खेलता हूं, कौन बनेगा काऊपति? तो मेरा सवाल आपसे ये है दोस्तों, ये राजनीतिक आयोजन या ये जो आयोजन है वो किस राजनेता के लिए किया गया था? और आपके विकल्प हैं, नंबर ए राहुल गांधी, बी असदुद्दीन ओवैसी, सी मायावती, या डी नन ऑफ द अबव।
बताइए बताइए, जवाब दीजिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तो जवाब है नन ऑफ द अबव। और क्या आप जानते हैं कि यह आयोजन किसके लिए किया गया था? यह आयोजन किया गया था देश के सबसे बड़े राजनेता और हम सबके प्रधान सेवक, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यह आयोजन था स्वच्छता ही सेवा अभियान, और यहां पर प्रधानमंत्री की लाइव स्पीच की जानी थी, इसीलिए पूरी गौशाला को खाली करा दिया गया। मगर जिस तरह से खाली करा दिया गया उसमें 8 गाय मारी गई। और यही नहीं दोस्तों, 8 गाय तो मरी गई, इसके अलावा हुआ ये कि वो जो लाइव है ना, तस्वीर आप देख रहे होंगे, उसमें लोग पहुंचे ही नहीं और सिर्फ 3 से 4 मिनट लाइव चला। यानी कि 3 से 4 मिनट लाइव के लिए, वो भी प्रधानमंत्री की लाइव के लिए, 8 गाय मर गई। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, यही आयोजन अगर असदुद्दीन ओवैसी के लिए होता तब क्या होता, राहुल गांधी के लिए होता तब क्या होता? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे देश में किस तरह की अराजकता पैदा की जाती? मेरे आपसे कुछ सवाल है जिस पर आप गौर कीजिएगा। पहला सवाल, क्या आपने इस खबर का शोर कहीं पर भी सुना? आप में से कुछ जानते होंगे, खासकर एमपी के रहने वाले। दूसरा मुद्दा, क्या शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कोई कार्रवाई की? क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली? तीसरा मुद्दा, इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार क्यों ना माना जाए? देखिए, मेरा ही मानना है दोस्तों कि गाय को हम श्रद्धेय मानते हैं। गाय को लेकर हापुड़ से लेकर अलवर से लेकर दादरी से लेकर हम लोगों को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। मगर सवाल यह कि जब यह गलती बीजेपी के नेताओं द्वारा होती है तो हम इन्हें क्लीन चिट क्यों देते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ में आप कानून को हाथ में लीजिए, मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं ये कि आप सवाल क्यों। अब मैं आपका रुख एक और मुद्दे की तरफ ले जाना चाहूंगा और यह सुनकर आप वाकई हैरत में पड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक शख्स के पास 26 गौशालाएं थीं और उसकी बद इंतजामी के चलते 300 गायों की मौत हो गई? और जानते हैं क्यों? 300 गायों को इसलिए मरने दिया गया ताकि उसके मांस को कसाईयों को बेचा जा सके, जिससे उसकी कमाई हो। विश्वास नहीं हुआ ना? यह मुद्दा है छत्तीसगढ़ के दुर्ग बेमेतरा जिले का, और जो शख्स इन 26 गौशालाओं का मालिक था उसका नाम है हरीश वर्मा, जो कि एक स्थानीय बीजेपी नेता था। और यह मेरे शब्द नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त का यह कहना है। और क्या कहना है उस पर गौर कीजिए, एक एक पॉइंट पर गौर कीजिएगा। मुद्दा नंबर एक, उन्होंने 26 गौशालाओं पर सवाल उठाए। मुद्दा नंबर दो, एक ही गौशाला जिसका नाम शगुन गौशाला है, वहां 200 गायों की मौत हुई। गायों की मौत के बाद भी रमन सिंह सरकार ने हरीश वर्मा की गौशाला को पैसे देने बंद नहीं किए। गौर कीजिएगा इस आंकड़े पर, 2015-16 में इन्हें मिले 19,62,000 रुपए, 2016-17 में इन्हें मिले 10,00,000 रुपए, और इसे जब से अस्तित्व में आई ये गौशाला 93,00,000 रुपए में। और ये तस्वीरें देखिए, सिहरन पैदा होती है, सिहरन पैदा होती है जब आप ये तस्वीर देखते हैं। यानी कि गायों की शमशान भूमि, जहां नजर दौड़ाइए वहां गायों की लाश दिखाई दे रही है। मगर आपका खून नहीं खौलेगा इस पे, और मैं चाहता भी नहीं आप खून खौलाएं, क्योंकि इस देश में अन्य मुद्दे हैं जो कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। गाय हमारी श्रद्धेय है मगर इस कदर नहीं। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों, और रमन सिंह सरकार से आखिर सवाल क्यों ना किया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों, आप खुद से सवाल क्यों नहीं करते हैं? न्यूज चक्र में हमारी आज की दूसरी पड़ताल, और आपको जानकर हैरत होगी कि मोदी सरकार आज चाहे तो वो मंदिर का निर्माण करा सकती है। क्या आप जानते हैं कि 1993 से अब तक इस जमीन पर मालिकाना हक केंद्र सरकार का है? यही नहीं, आपको जानकर हैरत भी होगी कि बावजूद इसके केंद्र सरकार इस पूरे विवाद में पक्षकार यानी पार्टी नहीं है। इस मुद्दे को समझने के लिए पहले कुछ तथ्यों पर हम निगाह डालते हैं। हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे द एक्विजिशन ऑफ सर्टन एरियाज एक्ट 1993 के तहत। द एक्विजिशन ऑफ सर्टन एरियाज एक्ट 1993 के जरिए केंद्र सरकार ने उस 67 एकड़
67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया, अक्वायर कर लिया, जिस पर राम मंदिर कथित तौर पर मौजूद था। इसमें वो हिस्सा भी शामिल था जिसमें अयोध्या के गांव कोट रामचंद्र में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थित था। क्या आप जानते हैं कि 1993 में जब सरकार ने इसे एक्वायर कर लिया तब उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वो केस था इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 6 SCC 360। तो जब उसे चुनौती मिली सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनौती को ही खारिज कर दिया और उस बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस एम एन वेंकटचलैया, जस्टिस ए एम अहमदी, जस्टिस जे एस वर्मा, जस्टिस जी एन रे, जस्टिस एस पी भरूचा, और उनकी बेंच ने अधिग्रहण के कुछ हिस्सों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। मगर जो सबसे अहम हिस्सा था दोस्तों, उसे कोर्ट ने बरकरार रखा, और वो क्या हिस्सा है उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस एक्ट यानी कि 1993 के इस एक्ट के उस पहलू के साथ दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया जिसमें केंद्र सरकार के पास सेक्शन 6 के अंतर्गत यह ताकत थी कि वो किसी भी प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, ट्रस्टीज की इकाई या बॉडी को जमीन का वो हिस्सा दे सके। आइए इस पर क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विकास सिंह। ये जो एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एक्ट है 93 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविल सूट अबेट करने वाला सेक्शन था उसको तो क्वेश्चन कर दिया, कहा कि सिविल सूट चलेंगे, लेकिन सरकार के अधिकार को उन्होंने किसी तरह से कंट्रोल नहीं किया कि वो नोटिफिकेशन से, गैजेट नोटिफिकेशन से किसी को भी इस स्थान को दे सकते हैं, किसी ट्रस्ट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फील करता कि ये भी पॉसिबल नहीं है तो दोनों साथ साथ उसको भी क्वेश्चन कर देता कि बोलता कि भाई जो डिसीजन आएगा उसी के बाद आप दीजिएगा, अदरवाइज आप किसी को नहीं दीजिएगा। जब इस 93 का जब ये सेक्शन अपहेल्ड हो गया, सेक्शन 6 जिसमें नोटिफिकेशन देने का पावर है, उसके बाद अगर कुछ भी नया मटीरियल आया, जैसा विराग जी ने बताया है 2003 में कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, कुछ इनके पास कुछ नए तथ्य मिले जो शो करते थे कि वहां राम टेम्पल है, उस बुनियाद पे जो भी उस समय का सेंट्रल गवर्नमेंट था वो भी कर सकता था, ये भी कर सकते थे, एक नोटिफिकेशन से, सिंपली गैजेट नोटिफिकेशन से इसको हैंडओवर कर देते किसी ट्रस्ट को कि यहां राम मंदिर बनाइए, हमारे हिसाब से यहां राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि हमारे पास अब तथ्य ऐसे आ गए हैं उससे, और उसके बाद उस गैजेट नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में भी प्लेस कर देते कि भाई अब ये नए सर्कमस्टांसिस में अब ये हियरिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसको अब इंफ्रक्चर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात मानता या नहीं मानता, कम से कम एक्सपिराइट हो जाता, आज तक मंदिर इतने दिन तक निर्माण जो डिले हुआ है वो नहीं होता, अब तक तो कम से कम डेफिनेटली काम इसमें लग गया होता। यानी इससे क्या स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि 1993 से लेकर अब तक केंद्र सरकार इस जमीन की मालिक है, दूसरा उसके पास ये अधिकार है कि वो जमीन किसी को भी दे दे, और तीसरा 1992 से लेकर अब तक 10.5 साल बीजेपी केंद्र सरकार में थी। हम आपको बताएंगे कि ये जो जानकारी है वो विराग गुप्ता द्वारा लिखी गई इस बुक के आधार पर हम आपको दे रहे हैं, और विराग गुप्ता ने भी सिर्फ तथ्यों के आधार पर ये जानकारी आपके सामने दी है। जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निर्धारित किए गए हैं, पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस मामले में, केंद्र सरकार इस मामले में पक्षकार क्यों नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 2003-2004 के जो प्रमाण आए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, उन प्रमाणों के आधार पर सरकार 1993 के अयोध्या कानून को फुल्ली एग्जीक्यूट क्यों नहीं करती है, उसके लिए या तो नोटिफिकेशन सरकार जारी करे केंद्र सरकार, या फिर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दे। और इन सारी बातों से जुडिशियल सिस्टम का और जो हमारे सरकारी सिस्टम का खोखलापन उजागर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में एक जजमेंट दिया था कि सिविल और क्रिमिनल ट्रायल में 6 महीने से ज्यादा अगर कोई स्टे है तो वो स्टे खत्म हो जाएगा, और इस आधार पर अगर देखा जाए तो अयोध्या मामले में लगभग 20-25 वर्षों से अनेक प्रकार के स्टे चल रहे हैं। अब देखिए मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर एक कि 1992 के बाद से, जैसे कि मैंने आपको बताया, बीजेपी 10.5 साल सत्ता में थी। बीजेपी सरकार ने कभी भी इस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि जमीन उसके पास है, या जनता को क्यों नहीं बताया कि जमीन मेरे पास है।
और अगर वो ऐसा करती तो वो राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन दे सकती थी। मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। और देखिए इस देश में हर कदम को सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जा सकता है, सवाल ये नहीं है। सवाल है सरकार की मंशा, उनकी नियत, उसने आपसे जानकारी छिपाई नंबर एक। नंबर दो, केंद्र सरकार इस मामले में पार्टी भी नहीं बनी, कम से कम बीजेपी सरकार ये कर सकती थी ना 10.5 साल में, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें इन तीन लोगों में जमीन को बांट दिया गया, उसके बाद भी जब यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है तो अगर आप इस जजमेंट पर निगाह डालें इसमें आपको केंद्र सरकार कहीं नहीं दिखाई देगी। अब मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, आप उससे कहेंगे कि भाई इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी वजह, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदम उठाकर इसका नफा या नुकसान नहीं बरतना चाहती। नंबर दो, वो इस मुद्दे पर या तो कांग्रेस के कंधे पर या सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहती है। क्योंकि देखिए संसद में जब इस मुद्दे पर अध्यादेश लाया जाएगा या प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया जाएगा तब मोदी सरकार पूछेगी राहुल गांधी से कि आप इसका समर्थन कीजिए, तबकि जनता को यह नहीं बता रही कि जमीन दरअसल उसी के पास है, वो चाहे तो जमीन दे सकती है मगर वो इस मुद्दे को भुनाना चाहती है, कांग्रेस को एम्बैरेस करना चाहती है। इसके अलावा जब वो कांग्रेस को एम्बैरेस करेगी या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएगी, जैसे कि उसके नेता राम माधव, गिरिराज सिंह, तमाम जो बड़े बड़े नेता उठाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सवाल, इसके जरिए एक बवाल होगा, वीएचपी बवाल करेगी, तमाम जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सड़कों पर आएंगी, और जब सड़कों पर आएंगी तो एक माहौल बनेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। यही वजह है कि बीजेपी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण के लिए जमीन का ये टुकड़ा दे देती है तो क्या आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसके परिणाम हो सकते हैं? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो भारत पर सख्ती कर सकते हैं, यही नहीं जो तमाम बड़े बड़े देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, वो उस पर तल्ख तेवर अपना सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ रेपरकशंस होंगे, इसके कुछ परिणाम होंगे। अब मोदी जी को अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि का खासा ख्याल है जैसे कि आप जानते हैं, तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इससे फायदा तो लेना चाहती है मगर इसके नुकसान भुगतने को तैयार नहीं है। और आप में से जो लोग सोचते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर मूवमेंट के साथ एक आध्यात्मिक नाता है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहूंगा। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि आडवाणी ने रथ यात्रा सिर्फ इसलिए की 1990 की क्योंकि उस वक्त वीपी सिंह मंडल कमीशन ले आए थे, और वीपी सिंह ने भी मंडल कमीशन इसलिए नहीं लेकर आए थे कि उनके जहन में अति पिछड़ी जातियों के लिए कोई चिंता थी, उनकी भी वजह राजनीतिक थी क्योंकि देवीलाल उन्हें चुनौती दे रहे थे, फिर वो मंडल ले आए और उसके चलते आडवाणी ने राम मंदिर की रथ यात्रा कर ली। और जब ये रथ यात्रा गुजरी, सोमनाथ से शुरू हुई, तो ये मैप देखिए, ये मानचित्र देखिए, जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी वहां वहां हिंसा हुई, दर्जनों लोग मारे गए। और उसके बाद जो घटनाक्रम शुरू हुआ जिसमें कार सेवकों पर हमला हुआ, बाबरी गिराया गया, मुंबई के दंगे हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कम से कम 2 से 2,500 लोग मारे गए। क्या देश इस वहशीपन के लिए तैयार है? यही वजह है दोस्तों कि हमने आपके सामने सवाल उठाए थे कि जो लोग गाय और राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जहन में गाय की कोई चिंता है या राम की भी कोई चिंता है, इनके जहन में राम के लिए उतनी ही चिंता है जितना सबके दिन में, इनके मन में गाय और राम के लिए उतनी ही चिंता है जैसा सबके मन में। गाय के प्रति अपना भाव रखना या गौ सेवा करना और शिव या राम के प्रति अपना भाव और उनके प्रति अपनी श्रद्धा करना और दूसरे धर्म को जलील करना, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। यह बात आपको समझनी होगी। अगर आज मैं मोदी सरकार से सवाल करता हूं या आप अगर मोदी सरकार से सवाल करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप एंटी हिंदू हो जाएंगे या धर्म विरोधी हो जाएंगे। यही तो साजिश है कि जो सवाल करे उसे इस तरह के तमगे जोड़कर, उसके साथ इस तरह के शब्द जोड़कर उसे दबा दिया जाए। तो न्यूज चक्र में इसी तरह के मुद्दे हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे
और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही न्यूज़ क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।